पानी मांगा। अरे रात मोरे सैया ने पानी मांगा। अब फिल्म की पंक्ति है हा? मैं कुएं में ढकेल आई नींद के मारे। खूब पी लो, न जाने फिल्म वाले क्या क्या लिख देते हैं। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। अब एक प्रयास देखिएगा। हाँ। लंकापति रावण ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले मांग बेटा। हाँ। एक वरदान देता हूँ। हाँ, मांग ले। कहा महाराज अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी मांग लूंगा। का दोबारा तपस्या की। हेलो, इसको मीठा बनाइए थोड़ा। अवका भैया, थोड़ी देर का काम है, लेटे नहीं। हेलो हेलो, दोबारा तपस्या की, एक वरदान फिर थाती हो गया। तिबारा तपस्या की, एक वरदान फिर थाती हो गया। तीन वरदान शिव के पास पड़े हैं। शिव ने कह दिया जब जरूरत होगी लंकेश मांग लेना। राम रावण का युद्ध चल रहा है, सब प्रसन्न हैं, दम से लड़ रहे हैं, केवल एक रावण परेशान है। रावण परेशान क्यों है? क्यों? सब सैनिक लड़ रहे हैं लेकिन एक डबल इंजन है। डबल इंजन है हनुमान। सामने आ जाए तो गदा से मार दें और पीछे पड़ जाए तो पूंछ से काम ले लें। अच्छा, आगे का बच भी जाए लेकिन पीछे का बचता नहीं ना। रावण सोच रहा है इससे कैसे पार पाया। कैसे? वो सोच रहा है कि जिंदा बच पाए ना कोई भी आगे। क्या समस्या है? जिंदा बच पाए ना कोई भी आगे, और जो बच जाए तो वो जान बचाने को, अपने प्राण बचाने को पीछे भागे। आगे नहीं बचते तो पीछे भाग लिए रक्षा हो जाएगी, लेकिन समस्या पीछे भी दम तोड़ रहे पूंछ के मारे। क्या बात है, क्या करें? जिंदा बच पाए ना कोई आगे तो जान बचाने को पीछे भागे, लेकिन पीछे भी दम तोड़ रहे पूंछ के मारे। और इसलिए रणवंका रण छोड़ रहे पूंछ के मारे। रणवंका रण छोड़ रहे पूंछ के मारे। रणवंका रण छोड़ रहे पूंछ के
सोचा मुसीबत बड़ी है, पीछे भी नहीं बचते। भोलेनाथ को याद किया, भोलेनाथ आ गए, बोले बेटा बता, बोले प्रभु एक वरदान दीजिए। हाँ, जो हमारा जमा था, तीन वरदान में से एक दे दीजिए, बोले मांग। रावण ने कहा प्रभु वरदान में चाहता हूं कि इस पीछे वाली से पीछा छूटे। और बिना आपके ये संभव नहीं है। इस पीछे वाली से पीछा छूटे तो हल्के से झटके में ये पूछ टूटे। इतना वरदान दीजिए, जरा सा झटका लगे और ये पूछ टूट जाए। क्योंकि क्यों? मैं नहीं, मेरी सेना में हजारों कर जोड़ रहे पूछ के मारे, रणबंका रण छोड़ 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 रहे पूछ के मारे। भोलेनाथ ने कह दिया ये मस्त, जरा सा झटका लगेगा पूछ टूट जाएगी। हनुमान जी की लीला देखिए, लड़ते हुए उड़ते उड़ते आए और रावण के रथ के सामने बैठ गए। सामने बैठे, रावण ने सोचा अच्छा मौका है, पूछ पकड़ के इस बंदर की झटका मार दिया जाए, भोलेनाथ का वरदान है पूछ टूट जाएगी। जैसे ही रावण ने पूछ पकड़ी और हनुमान उड़ चले आकाश की ओर, जब उड़ चले हनुमान जी झटका मार रहे हैं और रावण संभल के पकड़े हुए हैं। भोलेनाथ को फिर याद किया, हे प्रभु आ जाइए। बोले क्यों बेटा, अब क्या परेशानी है, झटका मारो। बोले प्रभु यहां से झटका मारूंगा तो मेरा झटका ही लग जाएगा। झटके पे झटका क्या करें। बोले सुनिए लंकेश, लटका अधर में पसीना छूटे, मांग वरदान। बोले महाराज दूसरा वरदान और दे दीजिए। बोले क्या क्या मांगा लंकेश ने, क्योंकि उस समय लटका अधर में पसीना छूटे। तो लंकेश ने कहा प्रभु के जोर के झटके में ना पूछ टूटे। महाराज यहाँ कैसे ही झटका लगे लेकिन पूछ न टूट जाए इसकी। हनुमान जी ने जब ये देखा तो लंकेश ने कहा, लंकेश धीर छोड़ रहे पूछ के मारे, रणबंका रण छोड़ रहे पूछ के मारे, अधिक लंबा नहीं। आखिरी बात है, दो वरदान शिव के पूरे हो गए। हनुमान जी सब सुन रहे हैं, जब वरदान ले लिया कि कितना ही झटका लगे ये पूंछ ना टूटे,
तो हनुमान जी ने पूंछ को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जय जय। बढ़ा दिया, रावण पूंछ पकड़े था, अब हनुमान जी अपनी पूंछ को इस पर्वत में मारे, उस पर्वत में मारे, रावण की हड्डी पसली एक होने लगी। फिर याद किया भोलेनाथ को, भोलेनाथ जी आइए आइए, कहा भक्त अब क्या परेशानी है, सुनिए तीसरा वरदान और दीजिए। कहा क्यों? बोले इसलिए, अरे पूछ बड़े धरती तक, पूछ बड़े धरती तक इतना कर दो, और बीसों कर जोड़ कहे इतना कर दो। महाराज इसकी पूछ धरती तक बढ़ जाए और मैं उतर जाऊं, तीसरा वरदान और दे दो। शिव को तो अपने तीनों वरदान खत्म करने थे, उन्होंने कहा ये मस्तु इसकी पूछ धरती तक बढ़ जाएगी। द्विवेदी पथ मोड़ रहे पूछ के मारे, हजारों दम तोड़ 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 रहे पूछ के मारे। रणवंका रण छोड़ रहे पूछ के मार, प्रेम से बोलिए बागेश्वर सरकार की जय।